जबलपुर में आज एक बार फिर दहेज के दानव ने एक नवविवाहिता की बलि ले ली। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर का है, जहां 6 लाख के लिए पति ने ही अपने पत्नी को जिंदा जला दिया। घटना के बाद नवविवाहिता महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि शिवानी साहू को पति द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, बार बार उससे पैसों की मांग की जा रही थी। शिवानी का विवाह हाल ही के अप्रैल में हुआ था और शादी के बाद से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने अपने माता पिता को दे दी। बेटी की शिकायत पर माता पिता दोनों शिवानी के ससुराल गढ़ा पहुंचे, जहां पति ने उनके सामने ही शिवानी को कमरे में बंद करके आग के हवाले कर दिया। फिलहाल घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी पति जहां फरार है, तो वहीं शिवानी की हालत नाजुक बनी हुई है। 29 अप्रैल को और 2 महीने के अंदर वो ऐसा ताना देते रहे, हर चीज से मारपीट करते रहे, गला मसकते थे और आज बोलते हैं कि ये लड़की काम नहीं करती, ऐसा कर वैसा कर और 6 लाख रुपए ला तो काम नहीं कर और नहीं तो काम कर, नौकरा नहीं बना के रखे थे और मेरी लड़की को जला दिए, पति ने जलाया है, सास की भी सहमत थी, सबकी सहमत थी कि ऐसा करो, ससुर भी नहीं थे घर पर, शादी गढ़ा में हुई थी। कि पापा मेरे को ये चार छः बार मार चुके हैं, मैं आपसे नहीं बता रही हूँ कि आप चिंता में हो जाएंगे, महाराज मजबूरी में बता रही हूँ। मैंने बोला बेटा काय क्यों मारे, बोलते हैं कि 6 लाख रुपए लेके आ बाप से मंगा के। वो बच्ची बोली कि हमारे पापा ने तो कर्जा लेके अभी शादी किए हैं और सिलाई करके कहाँ से 6,000 रुपये लेके आए, 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये बोले के। तो ये बस इतना वाद विवाद होते होते फिर हम लोगों ने क्या समाज के भाई बंधु वगैरह हमें सबको माता राम को हम कि चलो थोड़ा परामर्श करते हैं। फिर वो दवान बोले हम बीवी से बात करना चाहते हैं, हम बोले ठीक है भाई। तो ये बीवी के पास गए, वो बीवी को ले गए अपने रूम में, तो बोले कोई नहीं आएगा, हम परामर्श में बात करना चाहते हैं। हम बोले ठीक है भाई, पति पत्नी है, क्या बात करना चाहते हैं। बस 5 मिनट के बाद बचाओ बचाओ की आवाज़ आ गई, तो मैं और मेरा छोटा भाई राजेश साहू, तो हम लोग आग को बुझाते रहे। और जब मैं जा रहा था तो बड़े जेठ ने मेरे को ब्लेड मारा है इधर पे, ये देखो ब्लेड का निशान लगा हुआ है। बोले जा नहीं सकते हो अंदर, तो मेरा छोटा भाई तो घुस ही गया, तो वो बचा रहा था अकेले, तो उसका पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक जला हुआ, मेडिकल में पट्टी भी हुई है उसकी। महिला 2 माह पूर्व उनका शादी हुआ था और कुछ आपसी डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके कारण कल मैके पक्ष के भी लोग वहां आए थे। प्रकरण काफी गंभीर किस्म का है और CSP को निर्देशित किया गया, CSP गोरखपुर को, कि वो पर्सनली इसको सुपरवाइज करें। मृत्यु पर कथन हो गया है और घटनास्थल को सील कर दिया गया है, अपराध पंजीबद्ध कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से MS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।